हे गाइस, सो आज मैंने खुद नहीं इसे लियो का पेपर दिया था फर्स्ट शिफ्ट में, और जो मेरे अटेम्प्ट रहे थे वो रहे थे 71। सो अगर मैं बात करूं कि मेरा सिलेक्शन होगा इसमें तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए कट ऑफ कम से कम 80 तो जाएगी। बहुत लोग बोलेंगे कि पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था तो 80 से कम भी तो हो सकता है, लेकिन देखिए वैकेंसी भी बहुत कम है, 300 मात्र 300 वैकेंसी है, और आपको लगता है कि कट ऑफ इससे नीचे जाएगी। बहुत लोग हैं जिन्होंने 90+ भी अटेम्प्ट किया है, ठीक है, एंड पेपर मैंने खुद दिया है, मुझे पता है कि पेपर को 90+ अटेम्प्ट किया जा सकता था, बट मेरे 71 इसलिए हो पाए क्योंकि देखिए हाँ क्वांट और इंग्लिश में तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट रीजनिंग में मेरा थोड़ा एक पजल की वजह से टाइम वेस्ट हो गया। तो मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, इन एग्ज़ाम से मुझे अपने वीकनेस पे काम करना है, यानी मुझे अब रीजनिंग में थोड़े और पजल्स लगाने होंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, आप लोगों को भी पता चला होगा इस एग्ज़ाम के बाद कि आपको वीकनेस कहाँ है। तो ओवरऑल यही बोलूँगा कि 80+ अगर आपके मार्क्स आएंगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तो यानी आपका अटैम्प्ट अराउंड 85 to 90 होना चाहिए। अगर इतना अटेम्प्ट नहीं है तो आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, इन पे ज़्यादा फोकस करिए रैदर एन ISC LEO का मेंस जो है उस पर फोकस करने से अच्छा है, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।